अनुपमा यादव जी, आपकी औकात नहीं है कि मैं आपका इंटरव्यू करूं? उनकी औकात ही नहीं कि वो मेरा इंटरव्यू लें, ठीक है ना? उन्होंने कहा मुझे देना ही नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों से मुझे देना ही नहीं है जो भोजपुरी का ही खाएं और भोजपुरी के बारे में उल्टा पुल्टा बोले। लव यू बॉस करके हम अपना कैरियर नहीं बनाया है। उनसे घिना रही है, अगर उनको भोजपुरी से घिना रही है तो मुझे उनसे घिना रही है, क्योंकि वो एक तो भोजपुरी कलाकार का वो इंटरव्यू भी लेते हैं, ऊपर से भोजपुरी को ही वो गलत बोलते हैं। इस बात पे मैंने उनको बोला, मुझे धौंस दिखाया कि हम भूमिहार हैं, देखे ही ना पिस्टल मार दे वो गोली तुरंत, ये जस जाए ना देबू तरक्के। उन्होंने मुझे मारा, उन्होंने मुझे हाइड्रोसील पे मारा, उन्होंने मेरा चेन खींचा, उन्होंने मेरे पॉकेट से 5,000 रुपए निकाले। अभिनव का इंटरव्यू देखे हैं? नहीं देखे। उन्होंने कहा है कि आपकी औकात नहीं है कि वो आपसे इंटरव्यू ले। उनकी औकात ही नहीं कि वो मेरा इंटरव्यू लें, ठीक है ना? उन्होंने कहा मुझे देना ही नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों से मुझे देना ही नहीं जो भोजपुरी का ही खाएं और भोजपुरी के बारे में उल्टा पुल्टा बोले। मुझे देना ही कहा है भोजपुरी के बारे में, क्या कहा जो आपको लगा? बोला ना कि भोजपुरी से घिन आती है उनको, भोजपुरी से, तो मुझे ऐसे लोगों को इंटरव्यू देना ही नहीं है मुझे। मैं भोजपुरी से घिन आती है कि मतलब नहीं कि जिस तरह का कलाकार यहाँ पे जिस तरह का कंटेंट बनाते हैं उसको लेकर उन्होंने कहा? अब मुझे नहीं पता, मुझे ऐसे लोगों के बारे में चर्चा ही नहीं करनी। क्यों ऐसे लोगों की चर्चा करनी कि मेरी औकात, वो मेरी औकात नाप सकते हैं? औकात वही नापता जिसकी खुद की औकात कुछ नहीं होती है। और खैर यहाँ पे हम ये कॉन्ट्रोवर्सी करने नहीं आए, हम यहाँ पे अपने कार्यक्रम इसलिए पूछ रहे हैं कि वो भी अभी आपके साथ मुझे बात ही नहीं करनी उस आदमी के बारे में। क्यों बात करनी भैया, मुझे बात ही नहीं करनी। हम अपना दुख आपको बता रहे हैं, वो तो मेरे बारे में बुरा बोलेंगे ही ना। अब जरूरी थोड़ी है कि 100 लोग हैं तो उसमें से आपको 100 लोग अच्छा ही बोलेंगे, 10 लोग आपको बुरा भी बोलेंगे। बुरा क्यों बोलेंगे, उसे उनका कोई विवाद आपसे है नहीं? मैंने बोल दिया था ना कि मुझे तो उनसे घिन आ रही है, अगर उनको भोजपुरी से घिन आ रही है तो मुझे उनसे घिन आ रही है, क्योंकि वो एक तो भोजपुरी कलाकार का वो इंटरव्यू भी लेते हैं, ऊपर से भोजपुरी को ही वो गलत बोलते हैं। इस बात पे मैंने उनको बोला, मेरा उनसे आपसी रंजिश थोड़ी है या वो मेरा कुछ जमीनी विवाद थोड़ी है। उन्होंने भोजपुरी को गलत बोला तो भाई हम भोजपुरी के कलाकार है, बोलना हम लोग का फर्ज है, हम लोगों ने बोला, हमने उनको ऐसे तो कोई बात नहीं बोली है। अब वो मेरी औकात नाप रहे तो उनकी खुद की कोई औकात नहीं है, तब ना मेरी औकात नाप रहे हैं। खैर हमको उनके बारे में कोई बात नहीं करनी है, आप हमसे मेरे बारे में पूछिए, उस मुखिया के बारे में पूछिए जिस बारे में मैं लड़ रही हूँ, मैं जिस बारे में मैं अपनी बातों को रख रही हूँ। आप मुझसे वहीं लौट के चलते, आपने केस भी किया, उधर से भी केस किया गया, मुखिया कह रहा है कि केस किया है तो हम भी केस करेंगे और लड़ेंगे। तो बेफुजूल का केस क्यों कर रहे हैं आप बताइए? आप किसी गांव में जाएंगे तो किसी पासवान के बच्चे को आप मार के चले आएंगे और सही सलामत आप चले आएंगे किसी पासवान के बच्चे को मार के? आपको कैसे पता कि ये पासवान है? अब मैं ही गलती से मैं ही आप पे हाथ चला दूं तो मुझे थोड़ी पता आप किस कास्ट के हैं। बेफुजूल का है कि उन्होंने मुझे मारा, उन्होंने मुझे हाइड्रोसील पे मारा, उन्होंने मेरा चेन खींचा, उन्होंने मेरे पॉकेट से 5,000 रुपए निकाला, उन्होंने मेरा ये किया, ये बेफुजूल की चीजें हैं। कोई कलाकार आपके गाँव में मारपीट करने जाता है जी? संभव ही नहीं, ये बेफुजूल की बातें हैं। और लेकिन जिस भी लड़के ने बोला है कि SC ST केस लगाया हूँ, मुझे मारा गया है, इसकी जांच होनी चाहिए, और अगर वो गलत निकलता है तो SC ST का केस उनके पे भी लगना चाहिए, क्योंकि उन्हें SC ST केस का गलत उपयोग किया है। अच्छा। आपको ये अगर आपको सरकार ने ये प्रोवाइड कराया तो आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे जी, किसी पे भी आप धारा लगा दीजिएगा। आप SC ST आपको ये मतलब सुविधा दिया तो आप किसी पे भी केस लगा दीजिएगा, फालतू बेफुजूल का केस लगा दीजिएगा। तो अगर मैं चाहूंगी प्रशासन से कि आप इसकी जांच कीजिए, अगर वो गलत है तो उनको भी आप सजा दिलवाइए। नवादा में आप कोई प्रोग्राम आप दोबारा करेंगे? बाप रे बाप, नवादा में देखिए, पहले तो मैं बहुत प्रेम करती हूँ नवादा से, ऐसा नहीं है। नवादा में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो नवादा से और मुझे बहुत प्यार बहुत सम्मान देते हैं, तो ये तो मैं नहीं बोलूंगी कि मैं कभी कार्यक्रम नहीं करूंगी। हाँ, अब मैं वही कार्यक्रम करूंगी जहां मुझे फुल सिक्योरिटी दी जाएगी, फुल चीजें, क्योंकि मैं एक की वजह से मैं पूरे नवादा को क्यों बोलूं? एक की वजह से। वही तो अभी सवाल उठ रहा है कि आप एक भूमिहार की वजह से सारे भूमिहार। मैंने ये भी चीज बोली है कि वो अपने भूमिहार होने का दावा कर रहे थे मेरे पे, और मैं कई सारे भूमिहारों से मिली हूँ जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मान सम्मान देते हैं। मैं सबको गलत नहीं बोल रही, सभी मेरे साथ रहने वाले भी भूमिहार हैं, मैं क्यों सबको गलत बोलूंगी? सबने मेरे साथ गलत थोड़ी किया। उन्होंने मुझे धौंस दिखाया कि हम भूमिहार हैं, देखे ना पिस्टल मार दे वो गोली तुरंत, ये जस जाए ना देबू तरह के, ठीक ना? मेरा तो नाम ही है, मैं अपने टाइटल छिपा के थोड़ी आगे रहती हूँ। जैसे उन्होंने लगाया है कि उनका नाम है मुखिया का अभिनव आनंद, वो जाने का क्यों भूमिहार है जी? हाँ, तो हम अपनी कास्ट छुपा के थोड़ी रहते हैं। अनुपमा यादव ही हम लिखते हैं, हम यादव हैं और यादव ही रहेंगे ऑलवेज, तो हम यादव अपने टाइटल छिपाने से हमको कोई वो नहीं है। लगता है कि इसी वजह से आपके ऊपर ये सारा कुछ? मैं ये सब चीजें नहीं बोल सकती, क्योंकि आज के पहले ऐसा मेरे साथ कभी नहीं किया गया था। भूमिहार समाज मुझे बहुत प्यार करता है, मैं नहीं बोल सकती सब चीजें।